Hey everyone, welcome back to my channel. So if you are watching me for the first time, then hi, it's Priya. मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि मैं एवरी फ्राइडे पोस्ट करती हूँ. सो मूविंग ऑन, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते होगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि लास्ट वीक वॉज रियली हेक्टिक फॉर मी बिकॉज मैंने वैलेंटाइंस वीक चैलेंज लिया हुआ था. तो गाइज, आज हम DIY करेंगे एम्प्टी ग्लास बॉटल से. आई एम श्योर आप लोग में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने एम्प्टी ग्लास बॉटल्स इकट्ठा कर रखी होगी एंड वो सोचते होंगे कि इसका DIY करेंगे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फॉर द फर्स्ट DIY हमें चाहिए मलाई डोरी, फैब्रिक ग्लू एंड एम्प्टी बॉटल. गाइज, मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एज आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक्स फॉर ऑल आर्ट सप्लाईज विच आई एम यूजिंग. तो तरीका बहुत सिंपल है, हमें ये डोरी को बॉटल में रैप करना है. रैप करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो. पहली चीज़, गाइज, पूरे बॉटल पे एक साथ ग्लू नहीं लगाना है एज ग्लू ड्राई होने लग जाएगा. हम थोड़े थोड़े पोर्शन पे ग्लू लगाएंगे एंड देन उस पार्ट को थ्रेड से रैप करेंगे एंड इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट थिंग, जब आप थ्रेड रैप करो तब खींच खींच के रैप मत करना, नॉर्मल तरीके से रैप करो, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट. तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि अगर बीच में गैप क्रिएट हो जाए तो मेक श्योर यू पुश द रैप थ्रेड विथ फिंगर्स टू फिल दोज गैप. गाइस, नेक्स्ट थिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आप जैसे जैसे थ्रेड रैप करते जाओगे थ्रेड ट्विस्ट हो जाती है, तो मेक श्योर आप उन ट्विस्ट को खोल के बॉटल में रैप करो. अदरवाइज ट्विस्टेड थ्रेड से रैप किया तो ऐसा स्मूथ इफेक्ट नहीं दिखेगा. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विथ लेस एफर्ट्स इट लुक्स सो क्लासी. एंड गाइज, मैंने इनमें से कुछ बॉटल्स तो बहुत साल पहले रैप किए हुए हैं एंड इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी तक. सो गाइज, जनरली हम DIY के लिए ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बट इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ कि बहुत ड्यूरेबल है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट DIY, इसके लिए हमें चाहिए एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेस एंड एम्प्टी बॉटल. मैंने बहुत थोड़े पानी में एक्रेलिक कलर ऐड किया है एंड देन मैं इस कलर को अपने एम्प्टी बॉटल के अंदर डाल दूंगी एंड धीरे धीरे रोटेट करके कलर को स्प्रेड कर दूंगी. गाइज, एक बात का ध्यान रखना कि हमें बॉटल को ओपेक बनाना है अंदर से पेंट करके, तो पानी ज़्यादा ऐड मत करना वरना आपका कलर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए. सो ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. अब मैं इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रूट्स पेंट करूंगी. अब मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ कीवी. गाइज, एज यू नो हम ग्लास पे पेंट कर रहे हैं तो हमें दो कोट पेंट करना पड़ सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. बस इसी बात का ध्यान रखना कि सेकेंड कोट तभी अप्लाई करना जब फर्स्ट कोट ड्राई हो गया हो. एंड अब इसी तरीके से वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स भी पेंट कर लूंगी. Isn't it looking too cute? Bottle के अपर साइड पे मैंने एक क्यूट सा रिबन टाई किया है. एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज. लग रहा है ना सुपर कूल? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट DIY, इसके लिए हमें एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेस एंड एम्प्टी बॉटल्स चाहिए होंगे. इस पे मैं ब्लैक कलर का यूज करते हुए एक लैम्प बना रही हूँ. आप चाहो तो मास्किंग टेप का यूज करके लैम्प की पाइप बना सकते हो. अब इसके अंदर लाइट भी पेंट करते हैं. गाइज, इन ग्लास का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए पेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. मैंने 2-3 कोट किया है लाइट को पेंट करने के लिए. मेक श्योर आप सेकेंड कोट तभी करो जब फर्स्ट कोट ड्राई हो गया हो. अब मैं साइड में ट्रीज के ब्रांचेस भी ऐड कर रही हूँ यूजिंग ब्लैक कलर. नेक्स्ट मैं इन ब्रांचेस में येलो प्लस ग्रीन कलर का यूज करते हुए लीव्स ऐड कर रही हूँ. गाइज, यू नीड नॉट हैव टू बी परफेक्ट इन दिस, मज़े से पेंट करो. बस एक बार ये लेयर कंप्लीट हो जाए एंड ड्राई हो जाए तो हम नेक्स्ट लेयर ऑफ लीव्स ऐड करेंगे बाय एडिंग मोर ग्रीन कलर. गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट एक्सपेक्ट कि फिनिशिंग बहुत स्मूथ आएगी. एज हम ग्लास के ऊपर पेंट कर रहे हैं तो स्मूथनेस कैनवस या पेपर पे जैसी आती है वैसी नहीं आएगी. बातों ही बातों में मैंने लीव्स के 4 लेयर ऐड कर दिए हैं. अब मैं लैम्प पे थोड़ा स्नो पेंट कर रही हूँ यूजिंग सिल्वर कलर. वैसे तो ये कंप्लीट हो गया है बट मेरा मन कर रहा है मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूँ. सो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. मैं यहाँ पर 2 क्यूट मियाओं ऐड कर रही हूँ.
बॉटल के अपर साइड पे मैंने एक रिबन टाई किया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आप चाहो तो इसे ऐसे ही रखो या फिर फेरी लाइट्स जला के रखो, इट लुक्स स्टनिंग। नेक्स्ट DIY के लिए हमें स्पॉन्ज, ब्रशेस, एक्रेलिक कलर एंड एम्प्टी बॉटल चाहिए। मैं स्पॉन्ज की हेल्प से वाइट कलर का एक लेयर बॉटल पे पेंट करूंगी। आपको स्पॉन्ज में कलर लगा के बॉटल के ऊपर सिर्फ डैब डैब करना है। पूरे बॉटल के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए रख दे। अब नेक्स्ट लेयर के लिए मैंने वाइट में ब्लू कलर ऐड किया है एंड लाइट ब्लू कलर बनाया है। अब सेम तरीके से मैं इस कलर को बॉटल पे पेंट कर दूंगी। गाइस, स्पॉन्ज से डैब करने पे एक बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आता है जो कि पेंट ब्रश से नहीं आता। गाइस, मैं एक और कोट अप्लाई कर रही हूँ। इफ़ यू फील आपको थर्ड कोट की ज़रूरत नहीं है तो मत करना। जब ये कोट ड्राई हो जाए तब हम इसमें वेव्स पेंट करेंगे। मैं यहाँ पर पर्शियन ब्लू कलर से ब्रश स्ट्रोक्स ऐड कर रही हूँ। मुझे इसका लुक रफ रखना है इसलिए मैं डिटेलिंग्स पे काम नहीं करूँगी, सिंपली ब्रश स्ट्रोक से सब कुछ पेंट करूँगी। इसी तरीके से मैं वेव्स में कोबाल्ट ब्लू, स्काई ब्लू, टर्कोइज ग्रीन एंड वाइट ऐड करूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। सो गाइज, ये थे एम्प्टी ग्लास बॉटल्स के DIY। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कौन सा था, और अगर आप इसे रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशन। गाइज, अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड सेक्शन में जहाँ पे आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक Q&A रखा था जहाँ से आई पिक्ड वन क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सो द क्वेश्चन सेज, टिप्स फॉर बिगिनर्स टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड टिप्स फॉर सेल्फ लर्निंग आर्टिस्ट। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो माई सजेशंस वुड बी, फर्स्ट कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे होते चले जाओगे। आर्ट एक ऐसी स्किल है जो आपको कोई सिखा या पढ़ा नहीं सकता। आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है एंड वो आप कब कर पाओगे, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। माई सेकेंड सजेशन वुड बी, डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर कोई इशू है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो फिक्स देम अप। माई थर्ड सजेशन वुड बी, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। हम कई सारा टाइम सिर्फ सोचने सोचने में बिता देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे बट करते कुछ नहीं। तो माई सजेशन वुड बी कि आप सोचना बंद करो और करना शुरू करो। अब जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको और मोटिवेशन आएगा बाकी चीज़ें करने का। माई नेक्स्ट सजेशन वुड बी, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वैसे तो आर्ट में कोई मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे जैसा आप चाहते हो तो कोशिश करो ये जानने की कि वॉट वेंट रॉन्ग। अगर ये पता चल गया तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन। गूगल पे ढूंढो, यूट्यूब पे सर्च कर लो या फिर फेलो आर्टिस्ट से पूछ लो। गाइज, आई होप ये सारे सजेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस का आंसर करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।